नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पटना के गांधी मैदान में बिहार झारखंड युवा महोत्सव 2019 सार्थकता क्रांति का भव्य आयोजन किया गया। उद्घाटन बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में बड़ा सोच पैदा करने का था और उनको चिंता छोड़ चिंतन के प्रति प्रेरित करना था। राज्यों के सभी 62 जिलाओं में से युवा इस महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे। वहीं प्रतिभागियों की संख्या 20 से 25 हजार मानी जा रही है। गुप्तेश्वर पांडे ने युवाओं को समाज का मध्यमणि बताया और उन्हीं से समाज का कल्याण हो सकता है समझाया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बिहार जितने भी यहाँ पर नौजवान आए हैं, बेटियां आई हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। और दो तीन बातें केवल हमको बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि दो तीन बातें आपको कह दूं। आप सुनना चाहते हैं? एक बात बताओ, कौन आदमी है जो आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और जीवन में सफल होना चाहता है, वो हाथ उठाए। सारे लोग सफल हाथ उठाने। तो मेरे पास एक मंत्र है, बस वही मंत्र देने आया हूँ। एक मिनट का मंत्र है, अगर आपने आज उसको ध्यान से सुन लिया, अगर आपने उसको हृदय में बैठा लिया और उसके अनुसार अगर आपने आचरण किया तो जो चाहो वो बन सकते हो। कि वो मंत्र सुनना है कि नहीं, बोलो, सुनना है। मैं शुरू करता हूँ तमाम नौजवानों को, तमाम बेटियों को। पहले तो बेटियां इतनी भारी संख्या में आई हैं तो मैं इनको लिए इनको उनका अभिनंदन करता हूँ चार पंक्तियों से, कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। ये घर घर की है लक्ष्मी, ये घर घर की है लक्ष्मी। सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़ियां, तलवार बन के खनके। और हमारे नौजवान भी यहाँ पर हैं, बहुत सारे आए हुए हैं। मैं इनके लिए भी कहता हूँ, सितारों पे डाल सकते हो कमंद चांद, सितारों पे डाल सकते हो तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। और तुम्हारी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा, तुम्हारी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। लेकिन अब विचार करने का सवाल ये है, ये पत्थर से दरिया निकल क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है पत्थर से दरिया। युवा आज हताश है, निराश है, अपने भविष्य के प्रति चिंतित है, उनमें फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो नशे का सेवन कर रहे हैं, वो चरस, भांग, गांजा, अफीम, दारू, शराब, सिगरेट इसकी तरफ जा रहे हैं, वो पोर्न साइट देख रहे हैं, अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल हताशा से भरे हुए हैं, उनमें कोई जोश नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं। और ये जवानी क्या है, ये क्यों है ऐसी स्थिति, ये विचार करने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं। अगर आपने ठीक से सुन लिया और मेरी बात आपके दिल में बैठ गई तो आने वाला इतिहास इस बात की गवाही देगा कि बिहार के गांधी मैदान में नौजवान जुटे थे और उन्होंने एक संकल्प लिया था और उस संकल्प ने उनके जीवन को, उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया, उनकी दिशा बदल दी। इस बात को सुनने की जरूरत, क्यों हताशा है, क्यों निराशा है, क्योंकि आप अपने को नहीं जानते। मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूं, मुझे जाना है कहीं, तो आप अपने को जानते नहीं, तुम क्या हो, कौन हो, आदमी क्या है। तीन आवरण है, ये पहला जो दिखता है वो नहीं, ये शरीर है, कोई गोला है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ये बाह्य आवरण है, पर्सनालिटी इसको नहीं कहते। पर्सनालिटी का ये भाग है, इसको आउटर पर्सनालिटी कहते हैं। ये पर्सनालिटी का आउटर बाह्य भाग है, ये रियल पर्सनालिटी नहीं है। तो रियल पर्सनालिटी क्या है, तो इसके भीतर दो बेशकीमती चीजें भगवान ने दी हैं, कोई भेद नहीं किया, हिंदू को दिया, मुसलमान को दिया, सिख को दिया, ईसाई को दिया। अपने मन पर नियंत्रण नहीं है,
तो मैं भीड़ क्या आपको अपने मन पर नियंत्रण नहीं, अल्लाह किया झूठ करके और मारो मारो सब कोई मारने लगे। किसी ने विवेक से निर्णय नहीं लिया। निर्णय कहां से हो गया? माइंड से, मन से। मारो 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 मारो, मॉब लिंचिंग हो गई। ये पागलपन है। नौजवानों में विवेक होना चाहिए। चलो रोड जाम करो, एक्सीडेंट हो गया। रोड है तो एक्सीडेंट होगा भाई, कौन गारंटी दे सकता है कि रोड है आज के बाद एक्सीडेंट नहीं होगा? रोड है तो गाड़ी चलेगी और गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट भी होगा। अब एक्सीडेंट हो गया, जख्मी गया अस्पताल या मर ही गया, कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब चलो पकड़ो, धरो, गाड़ी को फूंक दो, पुलिस आए तो उस पर हमला बोल दो। ये चरित्र युवाओं में कहां से विकसित हो गया? क्योंकि मन पर बुद्धि का नियंत्रण खत्म हो गया। तो ये सोचने का वक्त है। शराबबंदी का कानून बिहार सरकार ने पारित किया, ये किसके लिए है कानून? आप सब, कोई माई का लाल दुनिया में नहीं है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी दल का हो, कोई भी नहीं कह सकता शराब पीना किसी के लिए अच्छी बात है, जुआ खेलना किसी के लिए अच्छी बात है, हीरोइन पीना किसी के लिए अच्छी बात है, गांजा पीना किसी के लिए अच्छी बात है, स्मैक पीना किसी के लिए अच्छी बात है। बिहार सरकार ने शराबबंदी का कानून लागू किया। शराब पीने से क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, मैं समाप्त कर रहा हूं, एक मिनट और बोलूंगा। मैं नहीं कहता, पुरानी खिसी पीटी बातें लोग बताते हैं। शराब पीने से हजारों बीमारियां हो जाएंगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा, पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाएगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। अरे ये सब बातें तो सब जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, अनपढ़ भी जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, शराब पीने से या किसी तरह के नशा के सेवन करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या है, किस तरह से राष्ट्र खतरे में पड़ता है, मैं बता रहा हूँ। शराब का सबसे बड़ा दुर्गुण यह है, या किसी प्रकार के नशा करने का सबसे बड़ा दुर्गुण यह है कि नशा का सेवन करने से जो सबसे बेशकीमती इंस्ट्रूमेंट, औजार जो भगवान ने हमको दिया है, जिसका नाम इंटेलेक्ट है, जिसका नाम बुद्धि है, जिसका नाम विवेक है, वो औजार खराब होने लगता है और धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। और एक ऐसा समय आता है कि पूरी तरह से वो निष्क्रिय हो जाता है। बुद्धि समाप्त हो गई तो आदमी हो गया बुद्धिजीवी से मन जीवी। तो मन जीवी पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, पागल होते हैं, और आदमी भी जब बुद्धि से हीन हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो मन जीवी हो गया। तो मन से चलने लगा तो उसका पतन होना जरूरी है। फिर जो मन में आएगा वो करेगा, उसका पतन होगा। तो इस तरह से सारे जुआ अगर नजर। तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।